अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है ग्रामर। ग्रामर कौन सी? जापानीज लैंग्वेज की ग्रामर। आज हम ग्रामर के बारे में समझेंगे कि जापानीज ग्रामर बेसिकली होती क्या है, ताकि आपको हर चीज का जो है वो बेसिकली आपको पता हो कि सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर जो सी है उसमें क्या चीज होती है, कितने लेवल्स होते हैं, क्या क्या ग्रामर होती है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें टेंसेज है, आप टेंस कर लें तो आपको जो है वो पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी। बेसिकली इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि अगर जापानीज ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की तरह है तो ये बिल्कुल डिफरेंट वे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें लेवल्स होते हैं। N5 बिगिनर लेवल होता है, बेसिक लेवल होता है। N5, N4, N3, N2 और N1, ये इसके टेस्ट पेपर वगैरह भी होते हैं। ठीक है, N1 एडवांस लेवल है, N5 जो है बेसिक लेवल है। तो जो है हमारा, अब मैं आपको बता दूं कि N5 सिर्फ N5 के अंदर चैप्टर 25 है। इस तरह हर N4, N3, N2, N1 के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो N5 में सिर्फ 25 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर वोकैबुलरी के किसी में 5 रूल है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, तो किसी में 5 रूल है। तो ये आपको चीज समझ आ गई। तो नेक्स्ट जो से हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर होती है किस तरीके से। इसकी ग्रामर ऐसी होती है कि जैसे आपने इंग्लिश में आपका नाम, अगर आपने नाम किसी ने भी कहना हो, आई एम जेब या आई एम अली या इस तरह कुछ भी, तो आई की जगह वाताशी लगेगा, एम की जगह वा ग्रामर है। ठीक, जेब की जगह जो है वो जेब इस तरह का नाम वर्ड आएगा, जे नहीं होता उसे जे कह देते हैं, और एंड पे दिस लगेगा। अगर नाम बोलना है तो उन्होंने आपको रूल बताया हुआ है। यह हम अगला पहला चैप्टर जो है विद इन 1 to 2 days में अपलोड कर दूंगा, आप जाके वो चैनल के अंदर चेक कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो किसी ने भी अपना नाम बोलना है, मैं आई एम अली, तो आप कहेंगे वाताशी वा अली दिस। एल की जगह रे की आवाज आती है जापानीज इसमें लैंग्वेज में, तो ये चीज है। नेक्स्ट जो है इसमें ग्रामर जो है वो किस तरह, अगर नोट लगाना है, इंग्लिश में होता है ना आई एम नोट जेब, नोट की जगह नोट सेंटर में आता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन हमारा इस तरह ये जापानीज का रूल नहीं है। जापानीज कहते हैं जो है एन वन, मतलब के वाताशी, एम की जगह वा, जो आपका जेब है वो आएगा उसके बाद, वा के बाद वाताशी वा जेब जारीमासेन, नहीं जारीमासेन को कहते हैं नोट। इसी तरह डिफरेंट वेज हैं। अगर आपने कहना आई एम पाकिस्तानी, जिस तरह पाकिस्तानी होता है, एक पाकिस्तान होता है पाकिस्तानी, अमेरिकन अमेरिका कंट्री अमेरिकन, ठीक है, आपका इंडिया मुल्क है इंडियन, इस तरह का, इस तरह जितने भी कोरिया कंट्री या कोरियन, जापानीज कंट्री जो सा, इस तरह आप डिफरेंट वर्ड्स साथ लगा देते हैं ना, इस तरह पाकिस्तान है तो यार ये पाकिस्तानी है, तो इसे किस तरह जो से आप करेंगे। जापानीज कहते हैं यार आपने जो सा है नेशनैलिटी के साथ जिन का वर्ड लगाना है, किस तरह आई वाताशी एम मैंने बताया वा पाकिस्तान पाकिस्तान जिन बस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है आपका, वो कहता है कि मिस्टर जेब है, मिस्टर की जगह पर स्पेसिफिक वर्ड रखा हुआ है, उन्होंने मिस्टर का वर्ड जापानीज लैंग्वेज में यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, उन्होंने कहा जी सन का वर्ड आपने लगाना है, तो जेब सन, इस तरह आपने कह देना हरी सन, इस तरह कुछ भी आपने जो सा है, क्योंकि हम इंग्लिश के रूल नहीं पढ़ रहे, ये जापानीज लैंग्वेज है तो रूल भी उसी के होंगे, तो जेब सन एडिसन और कुछ भी आप कहते हैं उमर सन, और इस तरह कोई भी वर्ड आप जो है अपना नाम, और अगर मिस्टर एंड मिसेस करना है तो सन का वर्ड आएगा, जापानीज के अंदर मिस्टर एंड मिसेस नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास, इस तरह कोड़े, कोड़े को कहते हैं दिस, हमने कहना दिस इज अ बुक, दिस की जगह कोड़े लग जाएगा, इस वा ग्रामर का लग गया हॉन किताब और दिस बुक। इसी तरह जो है इसमें भी कोड़े सोड़े आड़े, कोड़े कहते हैं दिस को, सोड़े कहते हैं डैट को, आड़े कहते हैं आवर देर, जो दूर पड़ी होती है ना डैट और आवर देर, जो थोड़ा दूर पड़ा होता है उसे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अबाउट, अबाउट और ओन्स, मतलब के अबाउट के बारे में, ओन्स के मतलब के ये मेरी है मलकियत पोजेशन हो गया। ठीक, जिस तरह माई बुक वाताशी नो होन, मतलब के मेरी किताब है, का की के जो है वो इसमें नो को आप उसके लिए आप कर सकेंगे, मेरी किताब है, मतलब ये आपकी ओन्स आप ओन कर रहे हो। ठीक है, या आपने कहना होगा एक कंप्यूटर की किताब है तो कंप्यूटर नो होन, इस तरह आपने जो सा वो आप वर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो का वर्ड अबाउट के लिए भी यूज होता है और ओन्स के, और इसमें इनका एक यूज नहीं है, इनके डिफरेंट यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज में हर चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे, जस्ट मैं आपको गो थ्रू दे रहा हूँ कि जापानीज लैंग्वेज होती क्या है। नेक्स्ट इसी में जिस तरह हमारा होता है पोलाइट,
गो देयर मतलब कि हम अगर किसी बड़े को कहना हो तो वहां जाए, छोटे को कहना हो तो उधर जाए, उधर जाए या उधर जाए और वहां जाए, जिस तरह हमारे इधर पोलाइट और फॉर्मल वर्ड होता है ना, इसी तरह उनका भी होता है। अगर आपने पोलाइट फॉर्म में कहना है गो देयर, वहां जाए कोचीरा, और अगर आपने कहना है कि पोलाइट में नहीं फॉर्मल में कहना दोस्त का यार उधर जाओ, तो कोको का वर्ड यूज होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आपने प्ले कर खेलना है, मीटिंग कुछ करने को कहना है, ओ का ग्रामर का वर्ड आपका लगेगा। आई विल डू वर्क क्या आएगा, वाताशी वा शिको तो ओशिमस, ठीक है। तो इस तरह जो सा है आपका डिफरेंट वेज है जो आपने ये चीजें करनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ लगी होगी कि इंग्लिश ग्रामर एक डिफरेंट है, जापानीज ग्रामर डिफरेंट है। जापानीज के अंदर जो से होते हैं हर चैप्टर के अंदर उसके अपने रूल है, उसने बताया हुआ आपके N5 का जो लेवल होता है उसके अंदर आपके चैप्टर्स के अंदर आपके 4, 5, 6 हर चैप्टर के अंदर ग्रामर के रूल है जो आपको करने होंगे। आपको फर्स्ट चैप्टर जो है विद इन 1 to 2 days में अपलोड कर दूंगा, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं वो सीरीज, ग्रामर की मीनानो नहीं होगा, ग्रामर सीरीज के नाम से होगी इंशाल्लाह। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद एक आधे दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आपको अगर जो भी इश्यूज होंगे ना, आपने चैप्टर बाय चैप्टर करना है, रिस्पॉन्स आप अच्छा, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो उसमें आपकी हर चीज का जो सा है वो इशू आपका जो सा है वो खत्म हो जाएगा, कोई भी मसला होगा कुछ भी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।